हरिद्वार हिंदुओं का प्रमुख पवित्र स्थल। लाखों में श्रद्धालु हर वर्ष इस पवित्र स्थल पर आते हैं। हड़की पौड़ी, जहाँ पर हमारी गंगा मैया बहती है, यहाँ पर गंगा स्नान करने का एक अलग ही महत्व है। लोग यहाँ पर लाखों में गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। मनसा देवी माता और चंडी माता जैसे प्रमुख मंदिर हरिद्वार में मौजूद है। हड़की पौड़ी में गंगा मैया को बहते देखना एक अलग ही अनुभव होता है। हड़की पौड़ी के समीप बहुत ही सुंदर सा बाजार लगता है। इस बाजार में आपको लगभग सारी चीजें मिल जाएंगी। पूजा की सामग्रियां भी आपको इसी बाजार में मिल जाएंगी। इस मार्केट में आपको सस्ते में अच्छा भोजन मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा आपको लगभग हर जगह आसानी से मिल जाएगी। काफी सस्ते में आप एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। मैं हरिद्वार अपने दोस्तों के साथ गया था, तो चलो गंगा मैया का नाम लेते हैं और इस सफर की शुरुआत करते हैं। हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ ब्लॉग्स जे एस में। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? तू है देखो क्या कर रहा है। फैंस को गाइस ये वो रेडी हो रहा है, इसीलिए वो शॉक्ड हो गया कि ये क्या दिखा रहा हूँ। हड़की पौड़ी जाने के लिए रेडी हो गए हैं, सो अभी हम लोग निकलेंगे हड़की पौड़ी की तरफ। सो वीडियो में बने रहना, चलो चलते हैं गुड्डू। चलो लेट्स गो। गाइस ये रास्ता जो है ना, हम लोग हड़की पौड़ी पैदल पैदल ही जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। सो चलो चलते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों को गंगा घाट का व्यू दिखाएंगे। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. क्या नाम है भैया आपका? जोशी। नाइस टू मीट यू गाइस। यहाँ पर हरिद्वार में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, सो आपको पहचान होगा कि अच्छे लोग कौन है। हम लोगों को तो मिल रहे कई कई अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग जो कि अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
पद्मनता लेने का और हरिद्वार से अच्छा तो प्लेस हो नहीं सकता है ये टी शर्ट लेने का, तो चलो परचेज करते हैं देखते हैं। तो अगर मतलब यहाँ हरिद्वार में अगर खाना है ना हड़की पौड़ी के पास में, तो आप लोगों को मतलब काफ़ी सस्ते में मिल जाएगी यहाँ पर आप लोगों को खाना, लगभग 50 रुपए में आप लोगों को प्लेट मिल जाएगा जिसमें दाल फ्राई सब्जी चावल चार रोटी मिल जाएगी। जय महाकाल, जय महाकाल, बम बम भोले गाइस, बम भोले, बम बम भोले, बम बम। चलो हम लोग पहुंचने वाले हैं अभी गंगा घाट, वहाँ पे गंगा जल में डालना होता है पंडितों को। ले लो ना बिस्तर। गाइस हम लोग गंगा तट पर पहुंच चुके हैं, चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ व्यू। गंगा जी को तो देखो जरा ना, खूबसूरत है गाइस, आप लोग देखोगे ना लग रहा है इसमें बह जाएंगे, इसमें लग रहा है ना कि हम लोग बह जाएंगे, इतना खूबसूरत है ना पूछो मत, आप बिलीव नहीं कर सकते हो, पता नहीं वीडियो में आप बिलीव करोगे देखकर वैसा नज़र आएगा या नहीं, आप लोगों को दिखाता हूँ रुको। गाइस देखो आप लोग हड़की पौड़ी हम लोग आ गए हैं, यहाँ पर गंगा जी बहुत ही खूबसूरत है गाइस, हम लोग यहाँ पर अभी स्नान करने वाले हैं। आप लोग देखो यहाँ पर गंगा जी में ये रेलिंग लगी हुई है, ये बॉर्डर है, वहीं पर मतलब स्नान किया जाता है, सब लोग स्नान यहीं पर करते हैं, आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं, हम लोग अभी नीचे जाएंगे, आप लोग वीडियो में बने रहना, सारा कुछ मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, बहुत ही खूबसूरत है व्यू गाइस, आप लोगों को एक बार यहां पर जरूर आना चाहिए। बस चलो अभी हम लोग काफ़ी करीब जा रहे हैं, स्नान कर लेते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ। गाइस देखो हम लोग यहाँ पर स्नान करेंगे, स्नान कर लिए। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में जाकर, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना गाइस। जबरदस्ती भी करते हैं तो आप लोग इन लोगों से संभल कर रहना, जबरदस्ती ऐसे नहीं करना चाहिए आप लोगों को ना, पवित्र प्लेस है, जिनका लेने का मन करेगा वो लेंगे, ऐसे लोगों से यहाँ पर बच कर रहना, वो लोग जबरदस्ती में मतलब आप लोगों से कुछ भी मतलब खरीदवा लेंगे, आप लोग लूट जाओगे यहाँ पर।
हम लोग वापस अपने होटल रूम जाएंगे गाइस, क्योंकि हम लोग लेट हो रहे हैं। तो फिर हम लोग खाना भी नहीं खाए हैं, हम लोग कुछ खाना भी है, भूख भी लगी है। तो गाइस ये हमारे मामा हैं, इन्होंने बहुत भारी सामान पकड़ रखे। ये देखो रास्ते पर शिकायत कर रहे हैं मेरे। सो गाइस ये मैं हूँ, ये हरिद्वार है, ये और ये मेरे दो मामा हैं, और यहाँ पे ठंड की मजे लिए जा रहे हैं। ये देखो इतने सारे मोटे मोटे पहन रखे हैं हम लोगों ने, फिर भी ठंड का मतलब अभी तक गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगा, सिर्फ ठंडी ठंड लग रहा है। गाइस आप लोगों को भी बहुत मजा आने वाला है, आप लोग भी हरिद्वार आ जाना, एक नंबर है। मतलब बोले तो एक यहाँ पे आने के बाद ना एकदम आप लोगों को हल्का महसूस होगा, एकदम महादेव में खो जाओगे। बोले तो गंगा माता की मतलब आंचल में खो जाओगे आप। कुल्लड़ वाली दूध है और ये है जलेबी। इंजॉय कर रहा हूँ, देखता हूँ कैसा टेस्ट है। मतलब ठंडी वाले जगह में गरम गरम दूध की तरह बहुत मज़ा आ गया ना। और जलेबी कैसी लग रही है? जलेबी भी बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छा, मैंने टेस्ट किया था, काफ़ी अच्छा। आप लोग भी आकर ये चीज़ एंजॉय कर सकते हो हरिद्वार। सो गाइस अब हम लोग वापस अपने होटल रूम में लौट रहे हैं, ये वही गली है, हम लोग लौट रहे हैं। आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखना, दिखा दिखा लाइक कर देना, वीडियोस लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।